बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव वीडियो आपके साथ में आपको दे दूंगा आज के अपडेट। अपडेट यह है कि मैं अक्सर यार आपके साथ ऐसी न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ। पाकिस्तानी जो सऊदी अरबिया में हम मौजूद हैं, तो भाई इन बंदों ने सोने के बिस्कुट देखे हैं जी। आपने देखे तो ज़रूर होंगे, बहुत से बंदों ने यहाँ से खरीदे भी होंगे, अपनी कंट्री में लेकर गए हैं। आपको पता ही 24 करोड़ का यानी कि 24 कैरेट का वो गोल्ड होता है प्योर, जो बिस्कुट आप लेते हैं तो वो जब पाकिस्तान में हम लेके जाते हैं, सुनियारे भाई उसे अब लेकर द्रात में रख कर आपको बोलते हैं, भाई बोलो क्या लेना है। साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पिलाते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। क्यों भाई? प्योर गोल्ड होता है। अच्छा, बात क्यों कर रहा हूं बिस्कुट, सोने के गोल्ड के बिस्कुट की, अभी आपको बता देता हूं मैं। ये पाकिस्तानी है जी, दो पाकिस्तानी। अच्छा, फिर ग्रुप भी नहीं है, होता है कुछ 5-7-10 बंदों का ग्रुप, सिर्फ दो बंदे हैं। मैं इसके मतलब पूरी तफसील तो नहीं बताई गई है कि इन बंदों ने ये काम कैसे डाला है, लेकिन कहा यह गया है कि रियाज शहर से इन दो, अच्छा यहां पर मैं वो न्यूज भी आपको चलाकर दिखा रखा हूं भाई, कंफर्म न्यूज है। वजारत दाखिलिया के स्नैपचैट के ऊपर ये शेयर की गई है बकायदा साथ में पाकिस्तानी वगैरह लिखा गया तमाम तर डिटेल। रियाज के दो भाई एटीएम लूटे हैं इन लोगों ने, यानी कि एटीएम के अंदर जो बॉक्स रखे जाते हैं जिसके अंदर पैसे होते हैं, इन लोगों ने वही ब्लास्ट कर दिए, यानी कि वही उखाड़ लिए हैं। अभी मैं इस चीज को लेकर तो हैरान हूं कि यार वो एटीएम तो उसको ब्लास्ट करें, उसको भाई कोई गाड़ी की टक्कर लगा ले तब भी नहीं टूटती है। इन बंदों ने कैसी टेक्निक अपनाई होगी और इन लोगों ने लूटे क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो रकम लूटी है वो है जी 5,24,000 रियाल, 5,24,000 रियाल की ये रकम लूटी है दो एटीएम से इन लोगों ने। और जब ये पकड़े गए हैं उस टाइम इनके पास से भाई 1,74,000 बरामद हुए हैं, और जो सोने के गोल्ड बिस्किट जिसे मैं जैसा कि पहले आपके साथ जिक्र कर चुका हूं, वो भी इनके पास से पकड़े गए हैं। उनकी मालियत थी जी 45,000 रियाल। तो अगर 1,74,000 और 45 को आपस में हम देखें तो कितने बनते हैं भाई, आप अंदाजा कीजिए। 2,20,000 बन जाएगा, 2,30,000 बन जाएगा, जो चलो 2,20,30 या 2,50,000 भी इनके पास से अगर मिला हो मोबाइल वगैरह जो कुछ भी डालकर, तो भाई बाकी की रकम कहां गई, यानी कि 2,50,000 से 2,50,000 की बाकी रकम कहां गई। बाकी भाई ये बंदे खा गए या इन लोगों ने पाकिस्तान भेज दिए या किसी को और को दे दिए, यानी कि इस बात करने का मकसद मेरा आपके साथ ये था कि ये काम भाई इनको गिरफ्तार करने से कुछ दिन पहले वारदातें हुई हैं। जब इनको गिरफ्तार किए गए उस टाइम ये वीडियो शेयर की गया, यानी कि इस दौरान इन दिनों में ये 2-2.5 लाख की रकम आगे पीछे कर चुके थे। अभी पकड़े तो गए हैं, इनको वो रकम भी लुटानी होगी और साथ में लंबे अरसे के लिए जेल की हवा भी खानी होगी। जो पाकिस्तानी भाई मेरे सऊदी अरबिया में मौजूद है, मेहनत मजदूरी करते हैं अपनी बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, यहाँ से भाई कमाते हैं भेजते हैं, उनको तो मेरा सलाम है जी। जैसा कि मैंने देखे हैं बहुत से यहाँ पर भाई मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे जो बंदे हैं वो भाई मुल्क का क्या, हम जो पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं हमारा भी नाम बदनाम करते हैं। तो बाकी मुझे भाई हैरत तो जरूर हुई है इनका ये कारनामा देखकर। आप भाइयों को इसके मतलब कोई इल्म हो तो मुझे भी कमेंट में बताइएगा।